बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं चोलिस्तान में अपने जो हमारे हैंड पंप लगाए गए हैं उस तक पहुंच गया हूं। उसका मैं चल के आपको मज़ीद विज़िट करवाता हूं जी। और इस हैंड पंप के ऊपर आप यहां पे ये पढ़ सकते हैं, हैंड पंप नंबर 89 सदका जारिया बराए इसाले सवाब हाजी शरीफ साहब मरहूम पाकिस्तान। ये हमारे एक भाई हैं जो के जद्दा में रहते हैं, सऊदी अरब का जो शहर है जद्दा, वहाँ पे रहते हैं। उनके वालिद साहब का नाम है, उन्होंने वहाँ से ये डोनेशन भेजी है। और उनके दो अदद हैंड पंप यहाँ पे लगाए गए हैं, एक उनकी वालदा के नाम पे और एक उनके वालिद साहब के रूह के साले सवाब के लिए। तो उनमें से जो उनके वालिद साहब का हैंड पंप है वो यहाँ पे ये मौजूद है। छोटे भाई, इसको ज़रा थोड़ा चला के दिखाएंगे हमें, चलाएं जी बेटा आप चलाएं। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह साफ शफाफ इसका पानी है। और यहाँ पे जो मकामी करीब की आबादी के लोग हैं वो घड़े वगैरह भी लेके आते हैं, और यहाँ वज़ू के लिए इन्होंने लोटा भी यहाँ पे रखा हुआ है। अगर कोई शख्स जो मुसाफिर हो यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ना चाहता हो तो वो वज़ू करके नमाज़ भी पढ़ सकता है। और इसका जो निकासी का रास्ता है वो देख सकते हैं आप, इस दरख्त की तरफ पानी का निकाला गया है। और यहाँ पे इस दरख्त को भी सैराब करता है जी इसका पानी। और इसी तरह जैसे ये आप देख सकते हैं कि चोलिस्तानी इलाके में जो जानवर होते हैं उनको भी सख्त प्यास लगी होती है, वो भी इसी तरह जो इन इलाकों में थे यहाँ पे अपने जानवर वगैरह को भी पानी पिलाने आते हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ इंसान इसके पानी से सैराब होते हैं, वहाँ ये देखें जानवर भी इसका पानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं। जानवरों को भी इसी तरह प्यास लगी होती है जिस तरह इंसानों को प्यास लगी होती है। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक बकरियों और भेड़ों का रेवड़ आ रहा था वो भी प्यास की शिद्दत से परेशान था और तंग था, और यहाँ पे आके वो पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला तमाम ऐसे भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो इस तरह की डोनेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चोलिस्तान में न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए और उसके साथ साथ परिंदों के लिए भी पानी की दस्तयाबी का समा पैदा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं किस कदर प्यासे जानवर यहाँ इस पानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। ये देखें इस तरीके से जो इसका हौज़ बनाया जाता है ताकि यहाँ से जानवर पानी पी सकें। ये आप देख सकते हैं, अल्लाह ताला तमाम ऐसे लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं और अल्लाह की मखलूक के साथ साथ अल्लाह के जो बनाए हुए जानवर हैं वो भी उनके जो माल में से हैं जो अल्लाह की राह में खर्च किया होता है उससे मुस्तफीद होते हैं। ये देखें रोही के जो प्यासे जानवर, या इसी तरह जो मुख्तलिफ और यहाँ पे रेवड़ होते हैं जानवर हैं उनके, वो सब यहाँ जो करीब के हैंड पंप होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको पानी पिलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिशें ना होने की वजह से पानी की बहुत शदीद किल्लत होती है। तो मज़ीद हम यहाँ पे जो भाई खड़े हैं उनसे भी चल के गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई जान क्या नाम क्या है जी अपना जी? मोहम्मद यासिन। अच्छा यासिन भाई, यासिन भाई ये हैंड पंप हमारा जो यहाँ पे एक भाई ने डोनेशन किया लगाया गया, आप क्या समझते हैं यहाँ पे ये बेहतर है? बिल्कुल जी बेहतर है, सही जगह पे लगाया गया जी, जी। लोगों के लिए ये फायदेमंद है जी, फायदेमंद है। चले माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई जान क्या नाम है अपना जी? अच्छा अच्छा, रमज़ान भाई आप क्या समझते हैं ये कैसा काम हुआ है यहाँ पे? जो काम बिल्कुल सही है, माल चोलिस्तान का मर्द नलका बिल्कुल रस्ते सटे, अल्लाह से मेहरबानी करती है, बड़ा मीठा पानी सर। अच्छा अच्छा, माल त्रे मरदा चोलिस्तान माल रेगिस्तान। अच्छा अच्छा, यानी तो सर आप समझते हैं कि भाई ये अच्छा काम है? जी जी, ठीक है, हैंड पंप बिल्कुल सही जगह पे लाया गया है। अच्छा पानी के बारे दसो, पानी कैसा है? पानी का मीठा जायका है जी। अच्छा लोग इतना अपने जानवर को जिम्मे हम पिले खड़े हैं तो इवें लोग आंदे इतना बह भी पिलावन? ठीक ठीक है जी,
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, तुहारा भजन क्या नाम है जी? गाना जी। अच्छा गाना भाई, तुम इतना ही रहा चोलिस्तान दे? अच्छा पानी दे अजकल क्या हालात है चोलिस्तान? ठीक है, पानी मीठा नहीं, पानी मीठा है लेकिन तंगी क्या है? तंगी है पानी, तंगी दी है पानी। अच्छा पानी की तंगी है, वैसे अगर जिमें नलके वगैरह लगते पे बेहतर है कुछ ना कुछ लोग? जी जी, चोलिस्तान लोग दुआ दे बिल्कुल। अच्छा इंशाल्लाह, यानी जानवर वास्ते भी समझते फायदा है? अच्छा जानवर वास्ते फायदा है सी। अच्छा भाई जी, ये हमारे भाई जो कि जद्दा में रहते हैं सऊदी अरब में, उन्होंने अपने वालिद साहब के रूह के साले सवाब के लिए ये हैंडपम्प यहाँ पे लगवाया है, और इस तरह और हैंडपम्प भी लोगों ने, हमारे जो भाई हैं और बहनें हैं, उन्होंने भी चोलिस्तान में लगवाए हैं। अगर आप उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं जिन्होंने ये नेक काम किया है, तो आप अपना पैगाम दे सकते हैं सर। उस अल्लाह सिंह कबर रोशन फरमाए, बिल्कुल काम दुरुस्त कितने जो नल के आप लगवाए हैं, बिल्कुल पानी वास्ते ठीक है, माल दुआ दे सन चोलिस्तान रोक दुआ दे सन। जी जी, यानी अच्छा काम है, सारे लोग यानी दिलों दिल से यानी कि लोग इस पे राजी हैं, खुश हैं और दुआ करते हैं जी। चले जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दुआएं उनके हक में कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए, अल्लाह ताला यहाँ बारान रहमत करे, जिससे आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, जब क्योंकि आमीन आमीन जी। ठीक है जी, बाकी इसी तरफ ठीक है जी, ठीक है भजन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके लिए मुश्किलें आसान फरमाए। तो नाज़रीन, अभी हम एक भाई हैं जो कि यहाँ पे खुद रेवड़ लेके आए थे, उनकी जो जिसका रेवड़ आप देख रहे थे, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे साथ वो वाले भाई मौजूद हैं जिनकी अभी आपने रेवड़ देखा है, जो अपना लेके आए थे यहाँ बकरियों वगैरह को और भेड़ों को पानी पिला रहे थे, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा भाई जान, ये बताएं आप यहाँ पे अपने जानवर अभी जैसे लेके आए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये अच्छा काम है यहाँ पे पानी का लगाना? अच्छा काम है। अच्छा, तो इससे आपको, अच्छा तो आपको इससे क्या फ़ायदा है, जानवरों को और पानी को आपको फ़ायदा है यहाँ पे? फ़ायदा है, यहीं से आप जानवर अपने पिलाते हैं अब? अच्छा चलें माशाल्लाह जी, चलें अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां फ़ायदा फरमाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट हैंड पंप है उसकी तरफ चलते हैं, और उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अपने जो नेक्स्ट हैंड पंप था, जो कि हमारे भाई जद्दा में रहते हैं, उनके जो वालदा मरहूमा के रूह के साले सवाब के लिए लगाया गया। ये आप देख सकते हैं, इस पर हैंड पम्प नंबर 90 सदका जारिया बराए इसाले सवाब नूर बीबी मरहुमा पाकिस्तान। ये हमारे भाई हैं जद्दा में रहते हैं, और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत तावन किया है। दो हैंड पंप इन्होंने अपने वालदैन के नाम पे लगवाए हैं, उनके रूह के साले सवाब के लगवाए हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने और भी कोशिश की है चोलिस्तान के जो गरीब लोग हैं जिनको पानी की ज़रूरत है, उनके लिए मज़ीद भी अपने जो कुछ सऊदी भाई हैं सूर्या के हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, और उनके तावन से यहाँ पे 8 अदद हैंड पंप और भी लगाए गए थे, और 2 हैंड पंप ये हैं उनके, टोटल उनके मिला के ये 10 हैंड पंप हैं, जिनमें 8 हैंड पंप सूर्या वाले भी शामिल हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इसका भी अजर अजीम अता फरमाए। एक तो ख़ुद से भी उन्होंने ये अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरे लोग हैं उनको भी इस काम पे, इस नेक काम मकसद के लिए कायल किया, और उन्होंने भी तावन किया, और इंशाल्लाह अभी वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मज़ीद भी वो तावन करेंगे, जहाँ जहाँ उनके दोस्त होंगे उनको वो कहेंगे कि इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लें। अच्छा इसका भाई हमें चला के दिखाएंगे पानी कैसा है? अच्छा ये देखें माशाल्लाह कसीर पानी इसका, बहुत अच्छा पानी है, बहुत शुक्रगुजार है जनाब के। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं जी, कैसा है उनका ये काम? बहुत सोना काम है, बहुत अल्लाह उन्होंने अजर देवे, अल्लाह उन्होंने नेक करे, अल्लाह उन्होंने हज करावे। आमीन आमीन जी, वो जाहिर है सऊदी में रहते हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद तौफीक अता फरमाए उम्रे करने की और हज करने भी। बिल्कुल जनाब, कैसा गरीब लोग है। अच्छा जी जी, क्या कह रहे हैं आप जी? असा गरीब लोग हैं जनाब, तो दुआ करे सू, माल पिले सू, बच्चे भी आप जी जी। जी जी। हाँ जी जी जी। अच्छा अम्मा से भी हम, अम्मा जी क्या कह रही हैं आप? असा तेरा मेरा माल गिंदे से सांझा। अच्छा। के बच्चे चराने असा खाने। अच्छा अच्छा, यानी आप लोगों के साथ आधा हिस्से पे जैसे माल लेते हैं, उस पे माल लेके आप चराते हैं, और अच्छा ये बच्चे माल को चराते हैं जाके। अच्छा ये जैसे ये आपके मौजूद हैं ये बकरियां वगैरह भेड़े, अच्छा इस तरह ये वाला माल जो है आप लोग आधे हिस्से पे लेते हैं? ठीक है ठीक है जी। और ये आप अम्मा जी क्या कहते हैं कि ये जो नल का यहाँ पे लगवाया गया है, तो ये कैसा काम किया उन भाई ने जो हमारे सऊदीया में रहते हैं? तो सब कुछ ठीक है, खुश थे, नल का लगवा के सारा बच्चे पानी पीते, माल पीते,
आमीन आमीन। पानी की तंगी थी आपको यहाँ पे? हाँ, आपको ये फायदा है, आप कहते हैं हमारे माल के लिए भी जानवरों के लिए भी फायदा है। चले जी माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपका नसीब करे, अजर देवे। आमीन आमीन। बहुत सोहनी सब्जी कीती है, बहुत अच्छा कीते वे। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि ये इनका माहौल देख लें, जानवर वगैरह यहाँ के फिरते हैं इनके, और यही इनको यहाँ से पानी की दस्तियाबी तो, क्योंकि नहरों में जो ये इलाके हैं जहाँ तक ये नहरें थी चोलिस्तानी एरिया के स्टार्ट में, उनमें भी पानी खुश्क हो चुका है, तो पानी की आजकल शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से तमाम लोग भी परेशान हैं, इंसान भी परेशान है, जानवर भी परेशान है। अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को अजर अजीम अता फरमाए और उनके वालदैन की भी बख्शिश फरमाए जिनके रूह के साले साहब के लिए उन्होंने लगाए। तो नाज़रीन इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही फलाही काम पे आप लोगों की भेजी हुई इमदादी हुई रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।